नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोन की गिनती दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में होती है। किम जोन को बीते एक महीने से देखा नहीं गया है, इस वजह से उनकी मौत की खबरें फिर से सुर्खियों में हैं। आखिरी बार किम जोन को 6 मई को देखा गया था। इसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि वे नॉर्थ कोरिया की राजधानी में होने वाली कांग्रेस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद किम जोन की मौत की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में दोनों दलों ने हर देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया है। इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है, जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट को 866 पन्नों का एक लीक ईमेल मिला है। इस ईमेल को 28 मार्च 2020 को चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक जॉर्ज गाओ ने डॉक्टर फाउची को भेजा था। इस मेल में गाओ ने फाउची से अमेरिका में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करने पर की गई अपनी आलोचना के लिए माफी मांगी थी। डॉक्टर एंथनी फाउचे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार हैं। ऐसे में उनका चीनी वैज्ञानिकों के साथ संपर्क कई सवाल खड़े कर रहा है। कोविड-19 का वायरस वुहान लैब से आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से मौतों और नुकसान के लिए चीन जिम्मेदार है। चीन और डॉक्टर फाउची के बीच जो पत्राचार हुआ है वो इतना अहम है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप का कहना है कि अब चीन की वजह से मौतें और क्षति हुई है, इसके लिए अमेरिका और दुनिया को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने के महाराष्ट्र राज्य के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को गुरुवार 3 जून को वापस ले लिया गया है। राज्य ने उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि 11वीं कक्षा में प्रमोशन पाने के लिए छात्रों के लिए एक वैकल्पिक सीईटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। सभी बोर्ड के छात्रों को प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। कोरोना के आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र हर बार की तरह ही तीसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिर्फ मई के महीने में ही 9000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब स्वास्थ्य विभाग के भी होश उड़ा दिए हैं। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी से तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं तेलंगाना में मार्च से मई के बीच में 37,332 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार देर रात एक दर्जन से अधिक अफसरों के तबादले कर दिए। योगी सरकार ने मंडल आयुक्त, डीएम और कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव बदल दिए हैं। इसी कड़ी में रामी रेड्डी को सहकारिता से उद्यान विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि बीएल मीणा को सहकारिता का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटाते हुए दुग्ध विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। जबलपुर हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटने को तैयार नहीं है। हड़ताली डॉक्टरों ने शुक्रवार को भी सुबह प्रदेश में प्रदर्शन किया और अपनी मांगे दोहराई। राजधानी भोपाल में जुड़ा मेंबर्स गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर निकले और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। गौरतलब है कि गुरुवार को जबलपुर हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया था। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों के पीजी के फाइनल ईयर्स के 468 स्टूडेंट्स के नामांकन कैंसिल कर दिए गए थे। इस कार्रवाई के विरोध में जूड़ा भड़कते हुए 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस्तीफा दे दिया है। उदयपुर पुलिस ने अपने कांस्टेबल साथी की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए एक मुहिम शुरू की थी। महज एक हफ्ते के भीतर उनकी मुहिम ने मूर्त आकार ले लिया और उन्होंने 7 लाख रुपए एकत्र कर लिए। इसके बाद यह राशि पीड़ित परिवार को सौंप दी गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने इस समय सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 दिन बाद आज फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 4 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.76 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 85.66 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बता दें, इससे पहले 1 जून को पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल आया था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।